शादी विवाह एक ऐसी चीज है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी शादी एक अच्छे पार्टनर से हो। माँ बाप भी चाहते हैं कि उनके घर में जो भी बहू या दामाद है वो बहुत ही अच्छे नेचर का हो और उनके बेटी या बेटे के साथ में रिलेशन अच्छा चले। नमस्ते, मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मोटिवेट करते हैं तो चीज़ों को और अच्छा करने के लिए हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और अध्ययन करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ को चलाने के लिए वो व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार नहीं होता है, उसको चलाने के लिए आप जैसे लोग जिसे लाइक करते हैं, जब उन्हें शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। मैं बात कर रही थी आपसे शादी के बारे में। तो शादी के लिए जब कुंडली में हम देखते हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो गुड़ मिलान कर लेते हैं, लेकिन गुड़ मिलान से जरूरी है आने वाला समय कैसा है। लड़का या लड़की की कुंडली में महादशा कौन सी आने वाली है, ऐसा तो नहीं कि उसकी कुंडली में 6-12 की महादशा आने वाली है या लग्न की महादशा आने वाली है। तो ये मन मुटाव जो है वो लड़के या लड़की के मन में कर सकते हैं। कुंडली में दूसरा स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान और 11वां स्थान बहुत महत्व रखता है। यहाँ पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, अच्छे ग्रहों से संबंध होना चाहिए, इनके प्लैनेट अच्छी जगहों पे बैठे हुए हों तो जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है, दोस्त की तरह साथ देता है, कुटुंब को बढ़ाने की उसमें आपकी मदद करता है, अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर यानी आपकी लाइफ का आधा पार्ट। अगर आपकी लाइफ का आधा पार्ट खराब हो जाए तो आप जो है सरवाइव जल्दी नहीं कर पाते हो। इसलिए जब भी आप शादी करें तो जरूर देखें कि लड़के या लड़की की कुंडली में आने वाला समय कैसा है, महादशा कैसी जा रही है, उनके जो प्लैनेट हैं वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि लड़का बोल रहा हो कि मुझे घूमने जाना है और लड़की बोल रही हो कि मुझे सिर्फ काम करने में इंटरेस्ट है। क्योंकि तो जब तक आपके मन नहीं मिलेंगे चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो आपकी कुंडली में आपके प्लैनेट क्या कर रहे हैं और आपके ही प्लैनेट आपके पार्टनर की कुंडली में क्या काम कर रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तभी एक अच्छा जीवन साथी मिलता है और वो जीवन साथी आपके हर एक दुख और सुख में साथ देता है। तो अपनी कुंडली में जरूर देखिए द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव और कुंडली का जो 11वां भाव होता है कि वो क्या कर रहा है। कुंडली में जैसे कि जब शादी करते हैं तो लड़की की कुंडली में गुरु देखते हैं कि मजबूत है या नहीं और लड़के की कुंडली में शुक्र मजबूत है या नहीं। क्योंकि शुक्र जितना मजबूत होगा उसे अपने जीवन साथी से उतना ज्यादा सुख मिलेगा। लड़की की कुंडली में गुरु जितना मजबूत होगा उसे अपने पति से उतना ज्यादा सुख मिलेगा। तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखिए, तभी आप अपने बच्चे की शादी करिए करवाइए। क्योंकि शादी एक ऐसा डिसीजन है जो आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप जब कुंडलियां मिलाते हैं या देखते हैं उनको आप बदल सकते हैं, लेकिन एक बार शादी होने के बाद चीजों को आप बदल नहीं सकते। तो बहुत ही ध्यान से कुंडली मिलाकर सोचकर समझकर अपने संतान की शादी करें और करवाएं। थैंक यू।